स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने इंटीग्रल में इनडेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस करा था। यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल अब हम न्यू टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये आपका क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है। यहाँ पे आपके पास इनडेफिनेट और डेफिनेट में क्या डिफरेंस आ रहा है, इनडेफिनेट में आपके पास लिमिट नहीं होती थी और डेफिनेट में आपके पास साथ में लिमिट्स आ रही हैं। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए आपकी क्या है लोअर लिमिट और बी आपकी क्या है अपर लिमिट, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा, ठीक है। तो अब हमने डेफिनेट इंटीग्रल कैसे सोल्व करना है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कैपिटल एफ जो है वो क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ है, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या आएगी, कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे साथ में आपको लिमिट्स भी गिवन है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो आप क्या करोगे, कैपिटल एफ में पहले बी पुट करेंगे, फिर माइनस एफ ऑफ ए पुट करेंगे, मतलब कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, ये आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, ठीक है। देखिए बेसिकली हमें जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो देता क्या है, एरिया देता है, ठीक है। एरिया कैसे, यहाँ पे जैसे आपको गिवन है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये हमें क्या देगा, एरिया देगा, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, द ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो एरिया बन रहा है फिगर 7.3 में, जैसे कि आपका फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स से लेके आपके पास क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया कवर हो रहा है और साथ में ऑर्डिनेट्स भी हैं एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी, तो ये आपका जो शेडेड रीजन है ये आपको मिल जाएगा अगर आप इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आप सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एरिया ऑफ द फंक्शन निकालें, एरिया फंक्शन निकालें, तो ये आपने कैसे निकालना है, तो हम यहाँ पे एक एक्स लेंगे, लेट एक्स बी ए गिवन पॉइंट इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। जो आपको लिमिट्स गिवन है लोअर लिमिट ए टू अपर लिमिट बी, तो हम उसमें क्या लेंगे, एक एक्स ले लेंगे, एक्स आपका पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, ये आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे, इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, जो आपके पास लाइट शेडेड रीजन है ए एक्स, कैपिटल ए एक्स, ये आपके पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये एरिया भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक फंक्शन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका x क्या है, एक वेरिएबल है। तो आपके पास जो डेफिनेट इंटीग्रल सोल्व करने के बाद आपके पास एक फंक्शन बन जाएगा, उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, एरिया फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। साथ में एक कंडीशन हम यहाँ पे लेके चलेंगे, जो आपका एफ एक्स है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, ठीक है। अगर आपका फंक्शन पॉजिटिव नहीं है तो हम उसको पॉजिटिव बना लेंगे, कैसे, हम क्या करेंगे, जो आपका अगर फंक्शन आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो वहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल देंगे, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, इन अदर वर्ड्स द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वी डिनोट दिस फंक्शन ऑफ एक्स बाय कैपिटल ए एक्स, वी कॉल द फंक्शन कैपिटल ए एक्स एज एरिया फंक्शन एंड इज गिवन बाय कैपिटल ए एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है, तो स्टेटमेंट देखिए, इसका हमने प्रूफ नहीं करना, ओनली स्टेटमेंट हमने डिस्कस करनी है। तो देखिए क्या है, लेट एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी एंड ए एक्स, एंड लेट कैपिटल ए एक्स बी द एरिया फंक्शन, देन कैपिटल ए डैश एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है स्टेटमेंट, कि आपका जो फंक्शन एफ है वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी पे,
तो आपके पास जो एरिया फंक्शन आता है कैपिटल ए एक्स, अगर उसका आप डेरिवेटिव करते हो ए डैश एक्स, उसका डेरिवेटिव करें तो आपके पास क्या आएगा, एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, वही आपके पास फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस क्या है, इसकी हम थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं। प्रूफ, इसका भी हम प्रूफ डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। लेट एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड कैपिटल एफ बी द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स ए टू बी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेट इंटेग्रल सोल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए, हम क्या कर रहे हैं आगे, एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये हमने कैसे सोल्व करना है, सॉल्यूशन देखिए। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विदाउट लिमिट्स इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/3। ये हमें एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आती है, तो आपके पास क्या आ रहा है, एक्स की पावर 3/3 आ गया। तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, कैपिटल एफ एक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सेकंड फंडामेंटल थ्योरम यूज़ करेंगे, तो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल सोल्व हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कैपिटल एफ ऑफ 3 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 2। दिस इज इक्वल टू 27/3 माइनस 8/3 इज इक्वल टू 19/3। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, इंटीग्रेशन 4 to 9 अंडर रूट एक्स ओवर 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे और उसके बाद हम लिमिट्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 to 9 अंडर रूट एक्स ओवर 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर डी एक्स। वी फर्स्ट फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द इंटेग्रल। ठीक है, इंटेग्रल आप क्या करोगे, फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। कैसे, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट मेथड से इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 को टी पुट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसका डेरिवेटिव करा तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 3/2 इंटू अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ गई अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2/3 डी टी। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स ओवर 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2/3 इंटीग्रेशन डी टी ओवर टी स्क्वेयर। ठीक है, तो 1/t² की इंटीग्रेशन हमें आती है, तो वो क्या होती है, माइनस 1/t। तो आपके पास क्या बन गया, 2/3 इंटू 1/t। ठीक है, अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या है, 30 माइनस एक्स की पावर 3/2। तो आपके पास क्या आ गया, 2/3 इंटू 1/30 माइनस एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। कैपिटल एफ एक्स आपका क्या आ गया, एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स। अब हम सेकेंड थ्योरम यूज़ करके, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम यूज़ करके हम डेफिनेट इंटेग्रल की डेफिनेट इंटेग्रल सोल्व कर लेंगे। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ 9 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 1/30 माइनस एक्स की पावर 3/2। तो लिमिट्स आ रही हैं साथ में 9 to 4 to 9। ठीक है, पहले हम लोअर लिमिट लगाएंगे फिर अपर, 4 to 9। तो अब हम लिमिट पुट कर रहे हैं फंक्शन में, क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू 1/30 माइनस 27 माइनस 1/30 माइनस 8। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 19/99। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल में इंटीग्रेशन 1 to 2 एक्स डी एक्स ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, आई लेट कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 एक्स डी एक्स ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे, हमने ये पहले डिस्कस करा हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन
से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके या इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। x ओवर x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, माइनस वन ओवर x प्लस वन प्लस टू ओवर x प्लस टू। ठीक है, ये आप सोल्व कर सकते हैं, या आपने पार्शियल फ्रैक्शन जब हमने डिस्कस करा था तो हमने वहाँ पे इसको सीखा था। तो आपके पास क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन x dx ओवर x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू माइनस लॉग मोड x प्लस वन प्लस टू लॉग मोड x प्लस टू इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, अब हम सेकेंड थ्योरम यूज़ करके इंटीग्रेशन सोल्व कर लेंगे। तो i इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ टू माइनस कैपिटल एफ ऑफ वन इज इक्वल टू माइनस लॉग थ्री प्लस टू इंटू लॉग फोर माइनस इंटू माइनस लॉग टू प्लस टू इंटू लॉग थ्री। तो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस थ्री इंटू लॉग थ्री प्लस लॉग टू प्लस टू लॉग फोर इज इक्वल टू लॉग 32/27। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 π/4 साइन की पावर 3 2t cos 2t dt। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, कंसीडर इंटीग्रेशन साइन की पावर 3 2t cos 2t dt। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ करके इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो साइन 2t को मैं पुट कर रहा हूँ u। ठीक है, तो उसके बाद मैंने इसका डेरिवेटिव करा, तो 2 into cos 2t into dt इज इक्वल टू du। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, cos 2t dt इज इक्वल टू 1/2 du। ठीक है, इंटीग्रेशन में हमने वैल्यू पुट करी तो आपके पास क्या बन जाएगी, 1/2 इंटीग्रेशन u की पावर 3 du। ठीक है, u की पावर 3 du की आपकी इंटीग्रेशन आती है तो क्या हो जाएगा, u की पावर 4/4। तो आपके पास क्या आ गया, 1/8 इंटू यू की पावर 4 इज इक्वल टू 1/8 इंटू साइन की पावर 4 2t। ठीक है, u की वैल्यू पुट कर दी तो ये आपका क्या बन गया, कैपिटल f ऑफ t बन गया। ठीक है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम यूज़ करके हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो i इज इक्वल टू f ऑफ π/4 माइनस कैपिटल f ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/8 इंटू साइन की पावर 4 π/2 माइनस साइन की पावर 4 0 इक्वल टू क्या आ गया, 1/8।